हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कम्प्लेक्स कंपाउंड का कुछ प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इस प्रॉब्लम में क्या कहता है कि द डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम 2+ Mn2+ Fe2+ Ni2+ और 3d4 3d5 3d6 एंड 3d8 रेस्पेक्टिवली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्वा कॉम्प्लेक्सेज विल एग्जिबिट द मिनिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। अब इसमें से जो कह रहा है कि मिनिमम जो है सो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कौन सो करेगा, जिसमें आपको ऑप्शन दिया है Fe H2O का होल 6 2+ और बी ऑप्शन में है Ni H2O का होल 6 2+, सी में Cr H2O का होल 6 2+ और डी में Mn H2O का होल 6 2+। यह जो है सो आपको इसमें आपको दिया हुआ है यह ऑप्शन। अब इसमें यह बताना है कि इसमें जो है सो मिनिमम पैरामैग्नेटिक नेचर कौन शो करेगा। तो देखिए, पैरामैग्नेटिक नेचर को शो करने के लिए सबसे पहले जो है सो हम लोग को देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें कम है। जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होगा वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को कम शो करेगा, जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा वह जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को ज़्यादा शो करेगा। दूसरी बात कि यहाँ से जो है सो कैसे पता करेंगे इस क्वेश्चन में, तो देखिए आपको यहाँ पर सभी का सभी जो मेटल, यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम जो दिया हुआ है, जैसे Fe, Ni और Cr, Mn, ये सभी का सभी सेंट्रल मेटल एटम जो दिया हुआ है, ये सभी सेंट्रल मेटल एटम आपको जो दिया हुआ है, सभी सेंट्रल मेटल एटम जो है सो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कह रहा है डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम 2+ Mn2+ Fe2+ एंड Ni2+। तो सभी का सभी जो है आपका ये जो है सो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में दिया हुआ है। एक जो सो कॉन्सेप्ट तो हमें यहाँ से मिल रहा है। मैं केवल इस क्वेश्चन के थ्रू आप लोग को एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह के प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यह जो कॉन्सेप्ट कैसे समझना है कि जो यहाँ पर जो ये सेंट्रल मेटल एटम जो दिया हुआ है, ये सेंट्रल मेटल एटम जो है सो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब जो इसके ऊपर जो चार्ज दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग पता कर सकते हैं। दूसरी बात कि आप जो है सो यहाँ से आप ऑक्सीडेशन स्टेट जितना भी सेंट्रल मेटल एटम है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के लिए आप जीरो मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ने के लिए मिलता है, और उस रिडॉक्स रिएक्शन में जीरो मेथड के थ्रू जो है सो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। लेकिन उतना जो है सो चूँकि एग्जामिनेशन में उतना करने का मौका भी नहीं है, तो इसके लिए भी मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उसको फॉलो करना है। लेकिन मैं दोनों मेथड से आपको लेकर चल रहा हूं। तो देखिए, यहाँ पर जो है सबसे पहले कि पैरामैग्नेटिक, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि यह जो है सो मिनिमम पैरामैग्नेटिक, यहाँ से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि मिनिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो मिनिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के लिए आपको जो है सबसे पहले जो है मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट तो यह है कि जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड मिलेगा वही इसका ऑप्शन बनेगा। सेकेंडली, यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे हम ये मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो सबसे पहले जो है सो क्या करना है कि आप जो है इसको जीरो मेथड से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। जैसे मान लिया जाए कि इस फर्स्ट ऑप्शन को लेकर चलते हैं, तो यहाँ पर इसको जो है सो निकालना है तो x, और यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट 6 से, यहाँ पर जो ये लिगेंड्स जो है आपको 6 है, लेकिन यहाँ पर वाटर है, ये वाटर जो है सो लिगेंड के रूप में है, ये एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 6 × 0,
इज इक्वल टू, ये जो चार्ज है इसको इसी के रूप में रख दीजिए। तो यहाँ से देखिए ये तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स प्लस जीरो और इज इक्वल टू प्लस टू। अब यहाँ से आपको क्या बन जाएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस टू, यानी यहाँ से जितने भी जो है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, ये सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू ही निकलेगा, जो कि क्वेश्चन में दे दिया गया है। ठीक है, तो आपको ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है। इन केस निकालने की जरूरत यदि पड़ता है तो ऐसे स्थिति में आपको मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ, कैसे निकालने की कोई जरूरत ही नहीं होगा। देखिए जब भी कॉम्प्लेक्स आप देखेंगे तो इस कॉम्प्लेक्स में देखेंगे कि यह जो लिगेंड जो है सो न्यूट्रल है, या कैटायनिक है या एनायनिक है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। यदि यह न्यूट्रल है तो ऐसे स्थिति में ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो हो जाएगा, मतलब इसके इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो इसके इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो डिपेंड करेगा कि जो चार्ज है उसके अकॉर्डिंग। तो अब देखिए कि यहाँ पर ये जो लिगेंड है इसके लिए वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो यानी कि जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगा। और सिंपल सा तरीका मैं ये भी बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो है सो जो देखेंगे कि यहाँ पर जो है यदि लिगेंड जो है सो न्यूट्रल है, तो जो यहाँ पर जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट मान लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है यह Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, प्लस टू। निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से जो है टू प्लस, और यहाँ पर जो है सो क्रोमियम का टू प्लस और एमिन का टू प्लस, यानी सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सो आपका प्लस टू मिलेगा। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ से आप ये निकाल सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, अब हमको करना क्या है कि जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, देखिए यहां से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब यहां से आपको मिल गया क्या, Fe2+, यहां से Fe2+ और यहां से आपको मिल गया Ni2+, यहां से Ni2+ और इसके लिए जब निकालेंगे तो यहां से क्या बन गया, Ni2+ सॉरी Cr2+, यहां से लिखेंगे Cr2+, यहां से आप इसको लिख दिए। इसके बाद आप यहां से इसको लिखेंगे तो Mn क्या बनेगा, 2+, सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट 2+। अब जो देखिए इसका एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, तो Fe का जो है सो एटॉमिक नंबर जो होता है ये 26 और इसका शॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d6 होगा, इसका शॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना होगा निकेल का। तो देखिए यदि आपको ये पता नहीं हो एटॉमिक नंबर तो आप कैसे चल सकते हैं, इसका भी एक सिंपल तरीका मैं बता दे रहा हूँ। आप इस ट्रिक को याद रखेंगे, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, कर मन फे को नी को जन, बस इतना को याद रखेंगे। अब इसका एटॉमिक नंबर 21, इसका 22, यहां से शुरू करेंगे स्कैंडियम से 21, और ये जो है सो जिंक कितना हो जाएगा 30। तो आप देख सकते हैं कि 21 22 23 24 25 26 और यहां से 27 28 29। अब आप यहां से निकाल लीजिए कि देखिए निकेल का, तो निकेल का आप देख सकते हैं यहां से 28, तो जब 28 होगा तो यहां पर इसका कॉन्फ़िगरेशन, जब निकेल रहेगा तो निकेल के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, 4s2 और 3d। देखिए तो निकेल 28 है तो यहां से क्या बन जाएगा, 8, लेकिन निकेल के फॉर्म में तो यह है नहीं, यह निकेल 2+ के फॉर्म में, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां से हटेगा, तो यहां से लिखेंगे 4s0 और 3d8। ठीक है, यहां पर भी जैसे देखिए कि Fe जो है इसका शॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन जब न्यूट्रल स्टेट में है तो 4s2 3d6, जब यहां से ये Fe जो है Fe प्लस 2 में कन्वर्ट कर गया है, इसका मतलब इसका ये जो है सो दो इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव होगा, तो 4s0 और 3d6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्रोमियम की यदि बात करते हैं तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन जो है, जब हम क्रोमियम को इस फॉर्म में लिखेंगे तो यहां से 4s1 3d5, लेकिन दो इलेक्ट्रॉन यहां से रिप्लेस है, तो इसका मतलब है कि यहां पर इसका कॉन्फ़िगरेशन 4s0 और 3d4 होगा। Mn की यदि बात करेंगे तो Mn का एटॉमिक नंबर 25 दिया हुआ, तो यहां पर इसका जब Mn जो है Mn के फॉर्म में रहेगा तो 4s2 और 3d5, लेकिन 2+ है, तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या,
इसको लिख सकते हैं Mn 2 प्लस, तो यहाँ से लिखेंगे 4s 0 और 3d5। ये जो है सो हमारा इतना काम आपको करना जरूरी होगा। लेकिन अब जो है इसको यहाँ से आप हटा सकते हैं, और देखिए अब इतना भी करने की जरूरत आपको नहीं पड़ता। लेकिन मान लिया जाए कि जिसमें दिया हुआ है उसमें तो आपको करने की जरूरत नहीं, लेकिन मान लिया जाए कि यदि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है ये सब, तो फिर आप कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए मैंने ये तरीका बता दिया। यहाँ तो आपको दिया हुआ है कि देखिए 3d4, 3d5, 3d6, 3d8, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते थे। अब देखिए 3d4, तो 3d4 किसका होगा, क्रोमियम 2 प्लस पहले है, तो देखिए तो क्रोमियम 2 प्लस के लिए है। देखिए तो यहाँ से 4s2 3d4 आ रहा है। इसके बाद Mn2 प्लस, तो Mn2 प्लस के लिए आपको क्या दिया है 3d5, Mn2 प्लस के लिए 4s0 3d5, तो यानी कि ये जो है, उसके बाद देख सकते हैं 3d6, तो 3d6 किसका होगा, Fe का, Fe 2 प्लस का, तो यहाँ से 4s0 3d6, और यहाँ से 3d8 दिया हुआ है। इसका मतलब ये किसका होगा, तो ये लास्ट में आपको आ रहा है निकेल का, तो निकेल आप देख लीजिए क्या आ रहा है 4s0 3d8। तो ये तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी चल सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू दे दिया है तो आपके लिए आसान हो गया। लेकिन यदि मान लिया जाए कि ये यदि नहीं देता, तो ऐसे स्थिति में आपको इसी प्रोसेस से चलना पड़ेगा। तो देखिए कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में सब कुछ दे दिया जाए, यदि मान लिया जाए कि नहीं देता है, तो ऐसे स्थिति में आपको खुद से उसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो इतना कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न का कोई पता नहीं कि कब क्या चेंज कर देगा। तो इस तरह से जो है सो आप यहाँ से आप निकाल लेंगे। अब देखिए सिंपल तरीका, यहाँ से एक जो है सो ये बनाइएगा डी ऑर्बिटल, ठीक है, डी ऑर्बिटल में 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ से जो है सो आपको 4s होगा। इतना भी करने की जरूरत नहीं है, केवल इतना भी लिखेंगे तो यानी यहाँ बन जाएगा क्या 3d, और यहाँ पर ये 4s हो जाएगा। और इस तरह से आप यहाँ से कर देंगे 4p, और यहाँ से जो है सो कर सकते हैं 4d। एक तो स्टेट आपको ये बता दिया, इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसकी यदि बात करते हैं, तो कितना इलेक्ट्रॉन है 6, तो 6 को जो है सो यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन जब है, तो इस इलेक्ट्रॉन को पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, उसके बाद जो बचेगा डबल करेंगे, पेयरिंग करेंगे। तो देखिए इसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जैसे 4, तो यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपको मिल गया। अब जब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके लिए मिला, तो देखिए आप यहाँ से इसको हटाइए, तो ये जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इसके लिए निकेल के लिए यहाँ से इसको भी हटा दीजिए, आप यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए अब सेकेंड में चलते हैं निकेल के लिए। इसे यहाँ से पता चल गया कि Fe2+ जो है इसके लिए जो है सो आपको आ रहा है कितना, या ये कंपाउंड के लिए आ रहा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना आ रहा है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये एस वाला तो इलेक्ट्रॉन हट गया, तो बचा किसका, ये डी का, तो डी को जैसे हम यहाँ से 3d6 था तो हमने ये बनाया। अब यदि निकेल की बात करते हैं, तो इस निकेल के लिए आपका फिर यही सिचुएशन। देखिए निकेल में जो है सो कितना जो है निकेल, देखिए तो निकेल कहाँ है, निकेल आपका लास्ट में है, यानी 3d8 कॉन्फिगरेशन। तो जब 3d8 ऐसे भी लिख सकते हैं 4s2 और 3d8, तो ये तो आपको खत्म हो गया, यानी 4s0 3d8 बन गया। तो जब 3d8 बना है तो इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना है 6 इलेक्ट्रॉन 7 8, यहाँ से आप लिख सकते हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी इसके लिए जो है सो आपको आ गया 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां से 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसकी यदि बात करेंगे क्रोमियम का, तो क्रोमियम 2 प्लस है, तो 4s से इलेक्ट्रॉन हटेगा और 3d से, यानी कि इसमें जो है सो क्रोमियम बन जाएगा। देखिए 4s1 और 3d कितना होता है 5। अब यहाँ पर जो है सो क्रोमियम 2 प्लस है, तो एक इसमें से हटा दीजिए, एक इसमें से, यानी 4s0 और 3d कितना हो जाएगा 4। तो जब 3d4 होगा, तो यहाँ से आप इसको जो है सो आप इस तरह से कर सकते हैं, सभी में जैसे क्या होगा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इस तरह से एक अनपेयर्ड।
लेकिन अब जो है हमने ये एक अनपेयर्ड, ये एकक अनपेयर्ड, यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं क्या, यहां से लिख सकते हैं फोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां से मिल गया। यदि हम इसकी बात करें एमएन का, तो एमएन देखिए कितना आ रहा है, एमएन जैसे सेकंड पोजीशन पर, तो आप यहां से ले लीजिए 3d5, तो 3d5 है, 4s0 3d5 यानी 5 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन और इसमें बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आपको यहां से लिख सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको कितना हो गया इसमें 5। तो देखिए सबसे मिनिमम, अब देखिए यह जो है हमने ऐसे कह दिया कि यह जो है सो इस तरह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, लेकिन यह जो है सो क्या सही है, सही तो है लेकिन यह गलत भी होने की संभावना है। क्यों गलत होने की संभावना है, कि यदि यहाँ लिगेंड जो है उसकी स्थिति का आपको समझना पड़ेगा, कि लिगेंड यदि यह जो है सो वीक लिगेंड है, इसीलिए हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये लिख रहे हैं। यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो यह जो है सो सभी इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देता, तो ऐसे स्थिति में आपको यह क्वेश्चन गलत हो जाता। लेकिन हमने जो है सो यहाँ पर पहले ही देख चुके हैं कि यह जो H2O जो है लिगेंड, यह जो है सो मतलब वीक फील्ड लिगेंड है, और जब वीक फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करेगा, इसीलिए जो है जो ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट रहेगा वही इसका एक्साइटेड स्टेट में भी रहेगा। लेकिन यदि यह जो है सो यदि यह लिगेंड जो है सभी में वाटर ही है, यदि यह लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता, इसका मतलब एक्साइटेड स्टेट में जाकर यह सभी का सभी इलेक्ट्रॉन जो है वो सबको पेयर करने की कोशिश करता और पेयर कर देता, लेकिन यहाँ पर लिगेंड जो है सो वीक फील्ड है। तो आपको सबसे पहले जो है जब जो हाइब्रिडाइजेशन और पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को यदि जानना होगा, तो सबसे पहले आप उस लिगेंड में, वो कॉम्प्लेक्स में आप लिगेंड की स्थिति को देख लेंगे कि लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और तब उसके अकॉर्डिंग जो है सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और उसके अकॉर्डिंग जो है आप हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट लागू करेंगे, नहीं तो फिर आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आप इस तरह से यहाँ से निकाल सकते हैं, इतना नहीं भी करते तो डायरेक्ट ये वैल्यू पुट करके देख सकते थे, आपका यह नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल जाता। तो इसी तरह का क्वेश्चन जो है सो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कुछ और भी इम्पोर्टेंट, जिसमें केवल मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा कि कॉन्सेप्ट पर किस तरह से चलना है, क्वेश्चन तो सब एक ही तरह का रहेगा, लेकिन यदि कॉन्सेप्ट आपके पास है तो क्वेश्चन कितना भी क्यों नहीं घुमा दें, उस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है सो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।